हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट पार्ट पे काम करेंगे, दैट इज पार्ट नंबर 7। और जैसे कि मैंने कहा था कि लास्ट वाले पार्ट में हम लोगों ने लगभग पूरी थियोरी ख़त्म कर ली है और अब हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे, यानी सर्किट प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे। हो सकता है थोड़ा सा आपको इस वीडियो में डिस्टर्बेंस आए, यानी कुछ ठोकने की आवाज़ आपको सुनाई शायद दे रही होगी, आई डोंट नो एग्जैक्टली। बट कैसा है, देखो आसपास घर बन रहे हैं, लोगों के कुछ ना कुछ काम होते रहते हैं, तो वो चलता रहता है। हम लोग कोशिश फिर भी करते हैं कि ऐसा ना हो। कभी कभी बाहर से सब्जी वाला जाता है ना, तो वो भी चिल्लाता रहता है। तो सबकी अपनी अपनी कुछ ज़रूरतें हैं, वो पूरी करने के लिए लोग करते रहते हैं कुछ ना कुछ, है ना। पर ऐसा है कि अब हम लोग उनको रोक नहीं सकते। हाँ, एक चीज़ कर सकते हैं कि अपन दूसरे प्लानट पर जाके बनाएं, ठीक है। तो अब वो थोड़ा खर्चा महंगा हो जाएगा, ठीक है ना, ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, इसीलिए अपन यहीं पर बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत यू कैन बेयर विद दी साउंड, है ना। सो द नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू वर्क ऑन द सर्किट प्रॉब्लम्स। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने कुछ ऐसे सेशंस भी डिज़ाइन किए हैं जिसमें हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस, सिर्फ क्वेश्चंस डील करते हैं, जिसमें जिसमें सिर्फ और सिर्फ अब तक पढ़ाए गए सारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होंगे। सो उन क्वेश्चन वाले सेशंस में भी काफ़ी सारा जो है फ़ायदा मिलता है। तो जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए नहीं हैं, हम वहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको देते हैं हमेशा, या डिस्क्रिप्शन में छोड़ो, ये वीडियो के साथ ही एक नंबर होता है हमेशा, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। उस कॉल नंबर पे कॉल करने के बाद हम आपको कुछ ऐसे प्रोसेस बताएंगे जिसके थ्रू आप हमारे साथ बाकी और चीज़ों में भी जुड़ सकते हैं। और मोटिव ये है कि हम लोग ये जो YouTube पे वीडियोस डाल रहे हैं, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हम विदाउट इनकरिंग वेरी हैवी कॉस्टिंग, वी कैन प्रोवाइड दिस टाइप ऑफ एजुकेशन टू ऑल दी स्टूडेंट्स। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू ऐड दैट, शॉर्टली हम लोग अभी 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथमेटिक्स के वीडियो डालने शुरू करने वाले हैं। शॉर्टली यानी विद इन दिस वीक, इस वीक में आपको 10th स्टैंडर्ड के वीडियो भी मिलेंगे देखने के लिए। और 10th स्टैंडर्ड के जो वीडियो हैं उसमें हम शुरुआत कर रहे हैं मैथमेटिक्स से। सो मैथमेटिक्स विल डील विथ फॉर द कमिंग टाइम। धीरे धीरे हम उसमें और भी बाकी के वीडियोज़ डालेंगे, जैसे और भी बाकी के सब्जेक्ट के वीडियोज़ डालेंगे आई शुड से, और वो भी आपको शॉर्टली देखने मिल जाएंगे। तो 10th के अंदर भी हम लोग एंटर करेंगे अब। और अभी फ़िलहाल टू स्टार्ट विथ, जो मैथ्स थोड़ा सा टफ पड़ता है बच्चों को, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर लेटर ऑन कुछ और भी चीज़ें उसमें ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है ना। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग विच आई वॉन्ट टू कन्वे। चलो तो आज का फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज़ FIM एडिवेंचर, है ना। इट्स योर इट्स अ चैनल विच इज़ कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू गिव यू एजुकेशन, ठीक है ना, फॉर JEE एंड नीट, है ना। एंड नाउ विल एंटर इन टू 10th स्टैंडर्ड ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। दिस इज पार्ट नंबर 7, मेथड ऑफ रेफरेंस पोटेंशियल, या फिर रिलेटिव पोटेंशियल भी कहते हैं इसको। तो ये जो रिलेटिव पोटेंशियल या रेफरेंस पोटेंशियल है, ये है क्या बात है, हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली सबसे पहली बात आपको ये समझना होगा कि जैसे हमने एक कोई तो भी बैटरी लगा दी, या मैं अभी के लिए इसको आइडियल बैटरी ही ले लेता हूँ, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं जोड़ता। आपने यहाँ पे कोई टर्मिनल ए और बी देख लिए, इसका EMF अगर 20 वोल्ट है, तो आपको एक बात समझनी होगी कि इन दोनों टर्मिनल्स, इनको टर्मिनल्स कहते हैं, ये एक पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव। आपको एक बात समझनी होगी कि ये जो 20 वोल्ट है, ये एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस है, डिफरेंस है, ये डिफरेंस है भाई, ये इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। एक्चुअली हम पॉजिटिव टर्मिनल के पोटेंशियल को नहीं जानते, नेगेटिव टर्मिनल के पोटेंशियल को भी नहीं जानते, हम सिर्फ इनके बीच के डिफरेंस को जानते हैं, वो है 20 वोल्ट। एक बात सोचो, अच्छा, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल नहीं है भाई, यानी ए वाला जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसका कुछ भी पोटेंशियल हो सकता है, नेगेटिव टर्मिनल का कुछ भी पोटेंशियल हो सकता है, बट ऐसे पोटेंशियल्स लो जिनका डिफरेंस 20 आए। सर ऐसे कैसे लेंगे, यानी क्या हो सकता है वो? बहुत सिंपल है, आप इस नेगेटिव वाले को 0 ले लो, इसको 20 ले लो।
आप 0 और 20 ले लोगे तो भी प्लस 20 वोल्ट का डिफरेंस, प्लस 20, हाँ साइन के साथ बात कर रहा हूं, प्लस 20 वोल्ट का डिफरेंस मिल जाएगा। आप चाहो तो इसको प्लस 10 ले लो और इसको माइनस 10 ले लो तो भी आपको इसके बीच में 20 वोल्ट का डिफरेंस मिल जाएगा। आप चाहो तो इसको 5 ले लो और इसको माइनस 15 ले लो तो भी आपको इसके बीच में 20 वोल्ट का पोटेंशियल मिल जाएगा। आप चाहो तो इसको 0 ले लो और इसको माइनस ऑफ 20 ले लो तो आपको फिर से 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। यानी यू कैन चूज एनी ऑफ दिस वैल्यूज, बट विच विल बी द सिंपलेस्ट और इजिएस्ट वैल्यू, थिंक ओवर इट। 1, 2, 3, 4 मैंने दे दी और आप और 50-100 लिख सकते हो, बट वॉट कैन बी द सिंपलेस्ट, वॉट कैन बी द इजिएस्ट वैल्यू, वॉट कैन बी द इजिएस्ट वैल्यू। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस के नहीं दो पॉइंट टर्मिनल्स के बीच का लिखना है तो एक टर्मिनल को आप क्या ले लो, एक टर्मिनल को आप 0 ले लो, एक टर्मिनल को आप जो दिया हुआ डिफरेंस है वो ले लो। ये इजी नहीं लगता इस तरह के कोई नंबर्स लेने से। आप ऐसा कोई भी नंबर ले सकते हो, मैं आपको ना नहीं कह रहा हूं, बट इजी क्या लगता है आपको, थिंक ओवर इट। तो आपको एकदम बेसिक चीज करनी है भाई, डिफरेंस 20 का है ना, तो हमें किसी एक को 0 लेना है, दूसरे वाले को 20 लेना है, बरोबर 20 वोल्ट का डिफरेंस आएगा। सर फिर अगला क्वेश्चन ये है कि मैं किसको 0 लूं और किसको 20 लूं। भाई नेगेटिव वाला होता है लोअर, पॉजिटिव वाला होता है हायर, तो बड़ा नंबर हायर को दे दो, छोटा नंबर लोअर को दे दो, खत्म कहानी। यानी बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक बात है। इफ यू वॉन्ट कि मैं तो भाई सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड बड़े भारी कैलकुलेशन करना चाहता हूं, मैं तो अपने क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना चाहता हूं, मैं तो चाहता हूं कि क्वेश्चन मेरे से हो ही ना, तो ऐसा कुछ कर लेना। पर अगर चाहते हो कि क्वेश्चन हो, चाहते हो कि क्वेश्चन इजीली हो, चाहते हो कि बहुत आसानी से हम इन फालतू की चीजों में ना फंसे पर हम बेसिक चीज को अच्छा करके, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे चीजों को अच्छा करके फटाफट आंसर निकालें, तो ये कर लेना। तो जब डिफरेंस 20 वोल्ट का लाना है तो एक को 20 ले लो, एक को 0 ले लो। सर 0 किसको लूं, तो छोटे वाले को, निगेटिव वाले को 0 ले लो और पॉजिटिव वाले को 20 ले लो, खत्म कहानी। बस इतनी बात अगर समझ जाओ तो आपके लिए आगे की चीजें बहुत आसान है। यानी अब एक बात समझ लो, बिकॉज बैटरी इज अ सोर्स ऑफ कंटिन्यूअस पोटेंशियल डिफरेंस, सो बैटरी का एक टर्मिनल और एक दूसरा टर्मिनल, दो टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल एक पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल छोटा टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा टर्मिनल। कोई भी बैटरी है 50 वोल्ट, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 7 वोल्ट, 10 वोल्ट, 100 वोल्ट, 1000 वोल्ट, 500 वोल्ट, कोई भी बैटरी है, कोई भी बैटरी, कोई दिक्कत नहीं है। आपने सिर्फ क्या करना है, वो तो डिफरेंस है ना, तो पॉजिटिव टर्मिनल को दे देना है उसकी वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट की बैटरी है तो पॉजिटिव टर्मिनल को 10 वोल्ट दे दो और नेगेटिव टर्मिनल को 0 बोल दो, तो ये आ गया डिफरेंस आपके पास 10 वोल्ट का। बस इतना बात मान के चलना है। अगर आप इतनी बात को मान लेते हैं तो आपके पास आगे जो चीजें हैं बड़ी सिंपल हो जाएंगी। इस बात को समझ के चलो, इवन यू कैन हैव दिस टाइप ऑफ नंबर्स आल्सो, बट आप खुद सोचो क्यों जबरदस्ती फंसना है। एक पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरी बात, हाउ टू राइट करंट इन अ सर्किट, हाउ टू राइट करंट इन अ सर्किट। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा, ये तो बैटरी के आसपास टर्मिनल का पोटेंशियल लिखने वाली बातें हो गई है ना। मैंने क्या किया, बैटरी के आसपास मैंने क्या किया, एक छोटा सा, ये बैटरी के आसपास की बात होगी, मैंने क्या किया, एक छोटा सा पार्ट ले लिया, एक सिंपल रेजिस्टेंस ले लिया। मेरा पर्पस ये है कि अब मुझे इसके आसपास, ये जैसे इसमें भाई करंट जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। अच्छा एक बात और, एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखें, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हमेशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन बातों को हमेशा ध्यान रखें। इसका मतलब VA has higher potential, A has higher potential and B has lower potential, it is clear। तो यहां से हमें दिख गया कि भाई A का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है, B का पोटेंशियल कम है, क्योंकि जो करंट है वो A से B की तरफ भाग रहा है, इसलिए हम इस तरह से लिख सकते हैं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको एक बात और बताई गई थी, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, कि कभी भी करंट अगर रेजिस्टेंस में से पास होता है तो वो अपना कुछ पोटेंशियल वहां पहले ड्रान करता है भाई, ड्रॉप करता है, फिर उसे आगे जाने की परमिशन मिलती है। जब तक ड्रॉप नहीं करेगा परमिशन नहीं मिलेगी। और कितना ड्रॉप करता है तो वी करता है इक्वल्स टू आई इंटू आर के बराबर।
यानी इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आया है वो IR आया है। अच्छा सर, रजिस्टर के जो बाजू में लगे है ये क्या है? ये सिंपल कंडक्टिंग वायर है, ये वायर है, ये वाला भी वायर है। देखो मेरी बात को सोचो, और जो सिंपल वायर वाला पार्ट है उसमें कोई रेजिस्टेंस हम सर्किट प्रॉब्लम में कंसीडर नहीं करते, अनलेस एंड अनटिल कभी कभी किसी क्वेश्चन में दिया रहता है अ थिक वायर, कॉपर वायर इज टेकन, फिर कुछ बोल देते हैं अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस इतना इतना ओम इज टेकन पर यूनिट लेंथ, ऐसा बोल देंगे कि एक सर्किट बनाया उसमें एक वायर लिया और उस वायर का रेजिस्टेंस समझ लो 5 ओम पर सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर का वायर ले लिया, ऐसा बोल देंगे। तो तुम्हें पता चल जाता है कि भाई वायर के अंदर के रेजिस्टेंस को अभी कंसीडर किया जा रहा है, तो मुझे रेजिस्टेंस लेना होगा वायर का। बट अदरवाइज इन जनरल सर्किट प्रॉब्लम में वायर के किसी रेजिस्टेंस, वायर में कोई भी रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं किया जाता। कान खोलो, कोई भी वायर के रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं किया जाता, यानी इसका मतलब निग्लिजिबल मान के छोड़ दिया है उसको। तो वायर, सिंपल वायर में से जब भी कभी करंट चलेगा क्या उसे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करना पड़ेगा? नहीं, रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, सिंपल रास्ता है चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे, सिंपल रास्ता है चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे हैं। अच्छा एक और बात को थोड़ा ध्यान रखो, ये तो अपने बैटरी के आसपास की पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो गई, मेरे ख्याल से ये बात सबके समझ में आ गई होगी। एक बात और ध्यान रखना सर्किट में घुसने से पहले कि करंट ऑलवेज फॉलोज द लो रेजिस्टेंस पाथ। भैया करंट को हमेशा कम रेजिस्टेंस वाला ही पाथ चाहिए, या मिनिमम रेजिस्टेंस वाला ही पाथ चाहिए, या जीरो रेजिस्टेंस वाला पाथ दे दो। भैया हम अपनी लाइफ कैसी जीना चाहते हैं सोचो। कभी आपने सोचा है? नहीं सर, मुझे ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ चाहिए, मुझे तो ऐसी लाइफ चाहिए जिसमें फुल ऑफ टेंशन हो, अरे ऐसी लाइफ चाहिए जिसमें रोज रोज मुझे कोई ना कोई परेशानी आए, कोई प्रॉब्लम आए, ऐसी लाइफ जीनी मुझे तो। अरे इज इट पॉसिबल? तो सेम इज द करंट, रेजिस्टेंस इज द प्रॉब्लम इन करंट लाइफ। करंट के जीवन में रेजिस्टेंस जो है वो एक प्रॉब्लम है, वो क्या चाहेगा भाई मैं ऐसे ऐसे रास्ते से जाऊं जहां रेजिस्टेंस कम मिले मुझे। तो करंट ऑलवेज फॉलोज लो रेजिस्टेंस पाथ, ये दिमाग में भर लो। एक और बात भर लो, वापस मैं इस पॉइंट पे आ जाता हूं कि हमारे पास इतना ड्रॉप हो गया, अब आपको ये भी पता चल रहा है कि इस वायर में तो कुछ ड्रॉप नहीं है, इस वायर में भी कुछ ड्रॉप नहीं है, यानी जो भी ड्रॉप इसके अक्रॉस है तो ये ए और बी, यानी एक्चुअली यहां पे भी ए ही है, यहां से यहां तक ए ही है और यहां से लेके यहां तक पूरा बी है, क्योंकि जो भी ड्रॉप हुआ वो यहां और यहां एंड्स पे हुआ रेजिस्टेंस के, बाकी तो कहीं ड्रॉप नहीं हुआ क्योंकि वायर के अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज VA माइनस VB इक्वल्स टू I इनटू R, ये आप कह सकते हैं। मैंने VA माइनस VB इसलिए लिया है क्योंकि करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम A टू B, दैट्स व्हाई A इज एट हायर पोटेंशियल एंड B इज एट लोअर पोटेंशियल, दैट्स व्हाई द डिफरेंस इज VA माइनस VB। सो करंट I इन दैट पार्ट इज नथिंग बट VA माइनस VB बाई R, दिस इज द करंट इन दैट पार्ट। इन द सेम मैनर यू हैव टू राइट द करंट ऑलवेज। सो दिस इज द करंट, दिस इज द टाइप, दिस इज यू कैन से कि भाई ऐसे हमें करंट लिखना है, ठीक है। और एक जनरल मैं एक सिंपल फिगर बनाऊंगा फॉर वायर, मैं एक सिंपल फिगर बना रहा हूं, ये सब चीजें आप अपने पास लिख के रखो, नोट डाउन करके रखो, ये सिर्फ एक सिंपल वायर है। मैं एक सिंपल चीज बनाना चाह रहा हूं, यहां एक बैटरी लगी थी, यहां पे कोई पोटेंशियल पॉइंट ए है, यहां पे कोई पॉइंट बी है, यहां पे कोई पॉइंट सी है। मैं एक छोटा सा और काम करना चाह रहा हूं, थोड़ा देख लेना, मैं थोड़ी सी कुछ चीजें बनाना चाह रहा हूं। मैंने एक बैटरी, यानी ये जो पार्ट है ना, ये किसी सर्किट का पार्ट बना दिया सिंपल, और मैं कुछ बातें समझाना चाहता हूं इससे। तो मैं चाहता हूं कि यहां पे कुछ पॉइंट्स ले लिए ए बी सी डी, लेट इट बी 10 वोल्ट, लेट इट बी 20 वोल्ट, लेट इट बी 5 वोल्ट, यू कैन से। अब मैं चाहता हूं कि यहां पे ना हम इन बातों को जो हमने अब तक बातें देखी, लेट अस अज्यूम द पोटेंशियल एट Let us find the potential at A
बी सी डी इफ पोटेंशियल एट ए दैट इज वी ए इक्वल टू जीरो. पहले से ही बोल दिया वी ए इक्वल टू जीरो. मैंने कहा भी था ना, अब इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, इसका मतलब यहां 10 वोल्ट लिख सकते हो और यहां जीरो लिख सकते हो, तो ए का पोटेंशियल यानी वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो. दिस इज अज्यूम्ड वैल्यू, यू कैन अज्यूम इट लाइक जीरो एंड माइनस 10 ऑल्सो, अगेन द डिफरेंस विल बी 10 वोल्ट्स. बट हमने सिंपलेस्ट इजीएस्ट हमने कोशिश की भाई इजी रखना है क्वेश्चन को, इसीलिए हमने इस तरह से चीजें कर ली. अब यहां से देखोगे तो इधर से लेके बी तक कुछ है क्या, सिर्फ वायर लगा. और मैंने कहा जब तक बताया ना जाए तो वायर का कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, इसका मतलब इस पॉइंट से लेकर यहां किसी भी पॉइंट तक जाओगे सो पोटेंशियल विल रिमेन सेम दैट इज 10 वोल्ट. और इसके बाद यहां से जब यहां तक जाओगे यहां तक अगेन दिस इज जीरो दिस इज 20 दिस साइड इज 20 दिस साइड इज जीरो. सो यहां से अगर इसका खुद का जीरो है तो जो भी आ रहा है वो 10 का आ रहा है, तो ये वाले का सिर्फ 10 वोल्ट ही रहेगा, क्योंकि इस बैटरी का खुद का तो हमने बोल दिया जीरो है, पर जबकि ये वाली बैटरी का 10 यहां से यहां तक आ रहा है तो यहां पे भी 10. देखो ये जो जीरो लिखा है ये जीरो सिर्फ इसके कारण लिखा है, ये 20 सिर्फ इसके कारण लिखा है, पर जो ओवरऑल पोटेंशियल इस पॉइंट का है वो 10 वोल्ट का है, वो इसके कारण आ रहा है. अगर मैं इधर से अब जंप करके इधर चले जाऊं तो इधर मुझे और प्लस 20 मिल रहा है, तो 10 तो था ही यहां तक, 10 तो था ही, वो इस बैटरी के कारण आ रहा था, 10 तो था ही, 10 में और कितना ऐड हो जाएगा, 20 ऐड हो जाएगा. देखो ये जो लिखा है ये सिर्फ बैटरी के लिए लिखा है, ध्यान दो. और ये जो लिख रहा हूं मैं, ये ऊपर ऊपर जो वैल्यू लिख रहा हूं, ये ऊपर वाली 10 वोल्ट ये ओवरऑल वैल्यू है, यहां से इधर जंप करके ऊपर और कितना आ जाएगा, 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30 वोल्ट. सोचो जरा सोचो, तो ये जो 30 वोल्ट है, अब ये 30 वोल्ट यहां भी 30 वोल्ट जाएगा, यहां पे भी, यानी वीसी की वैल्यू 30 वोल्ट आ जाएगी. अब वीसी की वैल्यू 30 वोल्ट है, मैं अभी इसको नहीं लगाता, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बाद में सर्किट में करेंगे इसको, ठीक है. तो अभी के लिए इस पे चलते हैं, फिर यहाँ पर डी. अभी छोटी दो ही बैटरी बहुत है, थोड़ा समझाते हैं, आगे सर्किट में आएंगे तो बहुत सारी बैटरी दिखेगी. तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो. देखो यहां पे आ गया जीरो, यहां पे आ गया 10, तो यहां से यहां तक कुछ नहीं था 10, इसको मैंने ले लिया जीरो, इसको मैंने ले लिया जीरो, इसको ले लिया 20, ये सिर्फ बैटरी का पैरामीटर है. फिर जब ये इस 10 के कारण यहां तक आए तो इधर भी 10 वोल्ट मिला, इधर से इधर गए तो इधर तक तो 10 मिला हमें, ओवरऑल 10 मिला. फिर इधर से इधर जंप किया हमने तो 20 और ऐड हो गया, यानी कितना हो गया, 30 वोल्ट हो गया, यानी इस पॉइंट पे भी 30, इस पॉइंट पे भी 30, और ये जो वीसी की वैल्यू है वो भी 30 हो गई. और यहां पे कुछ भी नहीं है, यहां पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहां पे भी 30 वोल्ट होगा और ये फाइनली डी पे भी 30 वोल्ट ही होगा. तो सोचने की कोशिश करो, दिस इज अगेन वेरी सिंपल थिंग. बस आपको रेफरेंस पोटेंशियल लेना है, उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है और वहां से आगे चीजों को सॉल्व करना है. तो ये एक बात हो गई. इसके बाद अर्थिंग एक पॉइंट है जिसको आपको समझना होगा. अर्थिंग यानी कनेक्टिंग एनी पार्ट ऑफ सर्किट टू अर्थ. सबसे पहली बात, अर्थ इज सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है, लॉट ऑफ नेगेटिव चार्ज. दैट्स व्हाई अज्यूम वी अर्थ, अर्थ का पोटेंशियल जो माना जाता है वो हमेशा माना जाता है जीरो. एंड इफ एनी पॉइंट ऑफ सर्किट इज कनेक्टेड टू अर्थ, एनी पॉइंट ऑफ सर्किट इज कनेक्टेड टू अर्थ, देन पोटेंशियल एट दैट पॉइंट विल बी क्या, विल बी जीरो, क्योंकि आपने अर्थ का पोटेंशियल क्या लिया हुआ है, जीरो. कुछ इन बेसिक बातों को ध्यान में रखें, कुछ इन बेसिक बातों को ध्यान में रखें. और अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे पास काफी सारी चीजें हैं जिनको हम लोग डील कर सकते हैं और काफी अच्छे से डील कर सकते हैं. तो अब मेरा मोटिव है कि हम लोग सर्किट प्रॉब्लम्स की तरफ जाएं, ठीक है ना, सर्किट प्रॉब्लम्स की तरफ जाएं. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फॉर रेफरेंस पोटेंशियल, है ना. सो फॉर द गिवन सर्किट यहां पर लिखा है
ठीक है, यहाँ पे एक हमारे पास सर्किट प्रॉब्लम, पहले मैं सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। दिस इज अ रेजिस्टेंस, दिस इज अगेन वन मोर रेजिस्टेंस, दिस इज अ बैटरी, ओके, एंड दिस इज 10 ओम, दिस इज 5 ओम, एंड दिस वन इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, ओके। दिस ई एम एफ इज 20 वोल्ट, अगेन डायरेक्ट ई एम एफ दिया है, तो ये बैटरी कौन सी है आपको पता चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहते हैं, क्वेश्चन इज लाइक दिस, अज्यूम रेफरेंस पोटेंशियल, ये डी पॉइंट है, पोटेंशियल एट ए टू बी 20 वोल्ट, एंड फाइंड द पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, एंड ऑल्सो फाइंड द करेंट इन द सर्किट, ऑल्सो फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप एट ईच रेजिस्टर, एट ईच रेजिस्टर। थोड़ा इसको समझें, बड़ा मजेदार क्वेश्चन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन, या बोलूं तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन। अब पहली चीज तो यहां दी हुई है भाई कि अज्यूम भाई रेफरेंस पोटेंशियल एट ए टू बी 20 वोल्ट, सो सिंपल है, आप लिख सकते हैं वी ए इज 20 वोल्ट, और जबकि इस पॉइंट के बाद यहां कुछ नहीं लिखा, डायरेक्ट डी लगा हुआ है, कुछ भी नहीं लगा, देखो इस जगह कुछ भी नहीं लिखा, तो ये अगर 20 वोल्ट में ले लूं तभी यहां पे 20 आएगा, क्योंकि इस वायर में कुछ रेजिस्टेंस है नहीं, तो यहां आएगा जीरो, तो यहां डी के अंदर भी डी का पोटेंशियल डी पे भी आ जाएगा जीरो। ये चीज हमें समझ में आती है कि अगर ए का पोटेंशियल 20 है तो डी का पोटेंशियल जीरो होगा, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट का है और बीच में कोई रजिस्टर या कुछ और कंपोनेंट नहीं लगा है, इसलिए ये 20 है तो ये जीरो होगा। तो यहां से अब अगर आप आगे बढ़ोगे, ए से बी तक क्या कुछ लगा हुआ है? जब ए से बी कुछ लगा ही नहीं है, तो ए से बी का मतलब ये आ गया कि जो ए का पोटेंशियल वही बी का पोटेंशियल, अगेन वो भी 20 वोल्ट। पर यहां डी और सी के बीच में देखो क्या लगा है, एक 10 ओम का रेजिस्टर, तो क्या मैं सी का पोटेंशियल भी जीरो बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता, क्योंकि बीच में रेजिस्टर लगा हुआ है, तो डेफिनेटली डी का पोटेंशियल और सी का पोटेंशियल इक्वल नहीं होंगे। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास डी और सी के बीच में कुछ ना कुछ करंट है जो यहां ड्रॉप करेगा, और वो सारी बातें आएंगी। तो अब हमें आगे बढ़ना है, अब हमें आगे बढ़ना है, तो अब हमारे पास सी का पोटेंशियल तो है नहीं, ठीक है। एक बहुत बेसिक चीज अगर आपको पता हो, तो आपने कम से कम ये दोनों रजिस्टर्स को आपने देखा होगा कि ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, एक के पीछे एक लगे हुए हैं, इस तरीके से। अपन 10th स्टैंडर्ड में ऐसा देख चुके हैं भाई, ये 5 और ये 10, ये 5 और ये 10, इस तरह सीरीज में लगे हुए होते हैं, तो हम बड़े आसानी से सीरीज के कॉम्बिनेशन को लिख सकते हैं। शायद आपको इतना याद हो कि भाई वी अपन जो देखें यहां से, तो ये जो 5 है और ये 10 है, ये तो सीरीज में जोड़ के 15 हो सकते हैं, तो हम इसको एक 15 ओम का रेजिस्टेंस ले सकते हैं। बट स्टिल मैं क्या करूंगा, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं अभी फिलहाल तुम्हें अपनी प्रोसेस जो हम लोग यहां देख रहे हैं रेफरेंस वाली, वो देख के ही समझाऊंगा। हम मान लेते हैं कि सी का कुछ पोटेंशियल हमें नहीं पता और वो वी सी मान लेते हैं। पर एक बात तय है कि हायर से लोअर तक जाता है तो करंट तो ऐसा ही जाएगा भाई, करंट तो ऐसा ही जाएगा, करंट तो ऐसा ही जाएगा, करंट तो ऐसा ही जाएगा, ये तो बात तय है। तो अब एक बात ये आती है कि यहां से जब करंट इस तरफ जा रहा है, तो डेफिनेटली इन दोनों में, बी और सी में, बी और सी में, बी और सी में हायर पोटेंशियल बी का होगा। तो हम एक सिंपल चीज लिख सकते हैं, वी बी माइनस वी सी, यानी बी का पोटेंशियल माइनस सी का पोटेंशियल इक्वल टू आई इंटू आर, आर यानी 5। यानी आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि वी बी माइनस वी सी इक्वल टू 5 आई, ये एक पॉइंट आ गया। फिर आप दूसरी चीज यहां से देखेंगे तो करंट सी से डी की तरफ जा रहा है, सी से डी की तरफ जा रहा है, इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि भाई वी सी माइनस वी डी इक्वल टू अगेन आई आर, करंट इज सेम बिकॉज सिंगल ब्रांच, देर इज अ सिंगल ब्रांच, तो देर इज 10 आई। सो यू नो वन थिंग दैट वी डी इज जीरो, सो जस्ट पुट दैट वी डी इज जीरो, सो वी सी इज नथिंग बट वॉट 10 आई, वी सी इज नथिंग बट 10 आई, जस्ट पुट दिस वी सी हियर। जैसे ही आप वीसी इधर रखते हो, यू विल गेट
वीबी माइनस वीसी का मतलब 10 आई इक्वल्स टू 5 आई, यू विल गेट वीबी इक्वल टू 15 आई. सो वीबी इज नथिंग बट 20 वोल्ट. वीबी की वैल्यू आपके पास 20 वोल्ट है, वीबी की वैल्यू 20 वोल्ट है, सो 20 वोल्ट इक्वल्स टू 15 आई. सो फाइनली आई इज 4/3 एम्पियर. आई थिंक यू हैव गॉट दिस थिंग. ऑल्सो एज इफ यू नो आई इज 4/3, वीसी वॉज अननोन. You can easily calculate VC now. Therefore, VC equals to 10 into 4/3. That is nothing but 40/3 volt. This is again VC. So you have got all the values, I think. VA pata chal gaya 20 volt hai. VB bhi 20 volt hai. VC 40/3 hai. VD 0 hai. Aapke paas sari ki sari values aa gayi. Ab aap bahut simple cheez kar sakte ho. Aap chaho to potential drop across 5 ohm resistance is nothing but 5 into I. भाई कितने का drop होता है, तो IR का drop होता है ना इसके across, तो I is I here and 5 into I. So 5 into I में I का value रख दो, I is 4/3. So it will be 5 into 4/3, 5 4s are 20 20/3 volt का potential drop आ गया. वैसे ही potential drop across 10 ohm भी आ गया आपके पास, तो 10 ohm यानी इसके across फिर से IR लगा दो यहां से, 10 I लगा दो यहां से, सिंपल. यहां पे drop भी कितने का आया, 10 I का, तो 10 into I, I is 4/3, it is 40/3 volt का आ गया. कैसे भी करोगे ना, बड़ा सिंपल है, बहुत इजीली मिलेगा आंसर, बहुत इजीली मिलेगा. आपने वहां पे भी पोटेंशियल ड्रॉप लगा दिया, ओम्स लॉ से फटाफट हर एक रजिस्टर के अक्रॉस लगा दिया. अब देखो एक बात अपन ना, अब इस सर्किट में थोड़ा और मजेदार इसको सोचते हैं. देखोगे अगर यहां 20 वोल्ट था, पूरा घूम के आने पे जीरो होना चाहिए, यानी 20 वोल्ट लेके चले थे, कुछ इसको दिया और बाकी में लास्ट में हमारे पास जीरो ही बचना चाहिए. यानी सोचो जरा कि जब इधर से घूमे 20 लेके, तो जब 20 लेके घूमे, अब मैं थोड़ी वैल्यू उसको मिटा देता हूं यहां से, यहां थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं अभी, और देखना जरा, है ना, बहुत मजेदार चीज आएगी. यहां से जब हम 20 वोल्ट लेके घूमे, सॉरी ये था 5 ना, और ये वाला था 10, ठीक है. हम जब लेके घूमे तो यहां तक तो हमारे पास 20 ही था, ये VB तो हमारे पास 20 ही वोल्ट था. यहां ड्रॉप आया, यहां कितने का, रेजिस्टेंस में से भागने के लिए यहां वाला 5i का ड्रॉप आया, 5i का ड्रॉप यानी 20/3 का ड्रॉप आया. 20/3 कम हो गया, यानी आपको यहां देखना पड़ेगा 20 - 20/3 ड्रॉप होने के बाद कितना बचेगा, तो ये बचेगा 60, यानी कितना बचेगा 40/3. यहां पे आपके पास जस्ट आ जाएगा 40/3, यानी वीसी की वैल्यू भी 40/3 ही मिली थी क्या हमें. देखो जरा वीसी की वैल्यू 40/3, वहां पे 20, देखो यहां 20 था, 20/3 गिर गया, बचा 40/3 लेके यहां से चले. अब यहां कितना गिर गया भाई, यहां कितना गिर गया, देखो 10 ओम के अक्रॉस ड्रॉप कितने का बोल रहा है, 40/3 बराबर, यहां 40/3 हमारे हाथ में था, ये 40/3 था, यहां गिर गया, यहां पे कितना हो जाना चाहिए, पोटेंशियल एट डी शुड बी जीरो, पूरा यहां गिर गया, बचा हुआ डी पे जीरो बचा, खत्म. अभी एक और बात सोचो, इस बैटरी ने टोटल पोटेंशियल दिया था कितने का, 20 वोल्ट का, खर्च करने के लिए मेरे पास 20 वोल्ट था. अरे भाई घर से निकले 100 रुपए लेके, दो शॉप में गए, एक जगह 40 दे दिए, एक जगह 60 दे दिए, जेब में कितने बचे घर आने पे वापस, जीरो. तो यही घर है, घर से निकले 20 वोल्ट लेके वापस घर आए तो कितना हो गया, जीरो. तो इसका मतलब देखो, ये 20/3 इसने लिया, 40/3 इसने लिया, 20/3 40/3 का सम करो तो 20 आ जाना चाहिए. देखो 20/3 + 40/3 तो ये 60/3 यानी 20 वोल्ट. लो पूरा हिसाब किताब हो गया. इससे समझो कितनी जबरदस्त चीज है, इसको सोचो कितनी जबरदस्त चीज है. एक और अल्टरनेट मेथड से, मैं वही अपना आर इक्विवेलेंट वाली मेथड से भी बता देता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है. आर इक्विवेलेंट वाली मेथड से बता दूं तो देखो जरा क्या होता है. आर इक्विवेलेंट वाली मेथड से बता दूं तो क्या होता है, बड़ी सिंपल चीज है. आप चाहो तो इसको एक रेजिस्टेंस बना दो, एक रेजिस्टेंस बना के लगा दो, 5 और 10 यानी 15 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दो, एक बैटरी लगा दो. आप ये कितने की है, 20 वोल्ट की है, ये वाला आपका ए पॉइंट हो गया. अब सी पॉइंट इसके अंदर घुस गया है, ये बी हो गया और सीधे सीधे ये डी हो गया. अब सी नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि हमने क्या किया, इन दोनों को मिला दिया तो मिलाते ही सी इसके अंदर चला गया. अब सी नहीं दिख पाएगा आपको, तो बस सिंपल है, आर इक्विवेलेंट तो आ गया 15, जोड़ दिया आपने, करंट जाएगा इस तरीके से, आए ये करंट जाएगा आए, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा,
पोटेंशियल डिफरेंस ये 20 का था, ये भी 20 है, ये वाला 0 है तो ये भी 0 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, VB माइनस VD ले लो, तो यानी कितना हो गया 20 वोल्ट बाय R आ गया 15, ये कटा तो ये आ गया 4/3, ये लो। वही चीज है, कहने का मतलब बड़ी सिंपल बात है, बहुत इजी चीज है, बड़ा मजेदार है सब कुछ। अगर आप थोड़ी सी चीजों को फॉलो करते हो, जो बातें मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करते हो, तो सारे सर्किट प्रॉब्लम बड़े मजेदार लगेंगे, बहुत अच्छा लगेगा करते हुए और बहुत कॉन्फिडेंस भी आएगा इसको करते हुए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, वो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। आई होप ये सबने लिख लिया होगा, ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूँ, और लिखा नहीं भी होगा तो आप उसको पॉज कर सकते हैं, पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। और जरूरी है कि इसकी कॉपीज बनाओ, कॉपीज बना के इसके बरोबर नोट्स जो है अच्छी तरह से फॉलो करो, ठीक है ना। और कुछ मटेरियल जो है वो भी अवेलेबल है तो उसे भी सॉल्व करो बहुत अच्छे से, ताकि तुम्हें उससे कॉन्फिडेंस मिले, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे ही, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ऐसा ही है, सिंपल क्वेश्चन है, बट इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत ज़्यादा सीखने वाला क्वेश्चन है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सामने आने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक सर्किट मैं दे रहा हूँ जिसका आपके पास EMF इसका E, R लगा दिया है अब यहाँ, और यहाँ से एक एक्सटर्नल बड़ा रेजिस्टेंस भी लगाया हुआ है हमने, तो ये बड़ा हुआ रेजिस्टेंस R लगाया हुआ है हमने, कैपिटल R, ठीक है। यहां से कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, ए दिस इज बी दिस इज सी एंड दिस वन इज डी, ओके। इस क्वेश्चन में बहुत चीजें सीखोगे, इसमें क्या बोला है, फॉर द गिवन सर्किट, फॉर द गिवन सर्किट, ठीक है। अब इसमें लिखा है फर्स्ट पॉइंट करंट निकालो आप, सेकंड पॉइंट आप निकालो पावर आउटपुट, पावर आउटपुट, थर्ड पॉइंट आप निकालोगे रिलेशन बिटवीन छोटा आर एंड बड़ा आर टू गेट पावर आउटपुट मैक्सिमम, टू गेट पावर आउटपुट मैक्सिमम। फोर्थ पार्ट आप निकालोगे पावर आउटपुट की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। फिफ्थ पार्ट आप निकालोगे टोटल पावर स्पेंट बाय बैटरी, ठीक है। और सिक्स्थ पार्ट आप निकालोगे परसेंटेज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ बैटरी, परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ बैटरी, ठीक है ना। तो बस अब यहाँ से हमें इस क्वेश्चन को लेके चलना है, और मेरी कोशिश ये है कि आप, या फिर मेरी इच्छा भी ये है कि आप, जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, आप इसको पॉज कर लें और पॉज करके आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप खुद सॉल्व करेंगे ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा अच्छी चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी। तो कोशिश तो यही होती है कि आप खुद सॉल्व करें, बट लेट इट बी, ठीक है। अब सबसे पहली बात, आप अगर चाहें तो आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे, अब देखो E, R लिखा है, इसका मतलब ये बैटरी अब आइडियल नहीं है। आपने पहले वाले अपने लेक्चर्स देखे होंगे तो वहाँ आपको पता चला होगा, हमने बहुत सारी बातें की है बैटरी पे, पूरे 2 लेक्चर्स लिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ये जो है, ये बैटरी जो है अब आइडियल नहीं है। यहाँ से करंट जब जाएगा तो ये इसका एक टर्मिनल पोटेंशियल हमें लिखना होता है, तो जो बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल होता है वो होता है E-IR, जैसे कि यहां से जाने वाला करंट I है तो टर्मिनल पोटेंशियल विल बी E-IR। या तो आप इसको टर्मिनल पोटेंशियल लेके सॉल्व कर लो, या आप एक दूसरी चीज और कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, इस सर्किट को रिड्रॉ कर दो, और यहां पे आप बैटरी तो दिखा ही रहे हो, साथ एक छोटा रेजिस्टेंस आर और दिखा दो बाजू में, तो इससे होगा क्या, ये आर, ये आर, ये EMF E, ये इस तरीके का एक सर्किट बन जाएगा। दिस विल बी सम पोटेंशियल, दिस विल बी सम पॉइंट ए, दिस विल बी सम पॉइंट डी, दिस विल बी सम पॉइंट बी एंड दिस विल बी सम पॉइंट सी। ऑन आइदर वे यू कैन सॉल्व। देखो भाई, ये छोटा आर जो है ये इस बैटरी के अंदर का भाग है, तो ये कहीं से भी इस डी पॉइंट के पोटेंशियल को अफेक्ट नहीं करेगा।
अगर आप यहां टर्मिनल पोटेंशियल ई माइनस आई आर लिखते हो तो ए का उतना ही पोटेंशियल होगा, बी का उतना ही होगा, उसके रिस्पेक्ट में डी का जीरो होगा, सी का जीरो होगा। अगर आप ऐसा लिख के चलते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आर, ये छोटा आर, पिछले जस्ट क्वेश्चन में मैंने कहा था इसका आर इक्विवेलेंट यानी दोनों सीरीज में होंगे, तो आपका ये वाला आर डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे आर प्लस आर, तो आप सिंपल वैसा कर सकते हो। या आप सिंपल एक चीज और कर सकते हो, आप यहां से इस बैटरी को इस क्या बोलते हैं इसको आप कुछ ऐसा लिख दो, ये बैटरी दिखा दो यहां पे सीधे सीधे, यहां पे ऐसा लिख दो और इसका पोटेंशियल जो है वो ई माइनस आई आर लिख दो, इसमें से जाने वाला करंट आई है, आप ऐसा लिख दो इसका टर्मिनल पोटेंशियल, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा अब एक बात सोचो कि ये जो भी टर्मिनल पोटेंशियल है, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था दो रेजिस्टेंस थे, एक पांच का एक दस का, तो कुछ पांच पे ड्रॉप हुआ कुछ दस पे ड्रॉप हुआ। अब यहां ये जो पूरा टर्मिनल पोटेंशियल है ये तो पूरा इस आर पे ही ड्रॉप होगा क्योंकि बाकी कोई रेजिस्टेंस तो और है ही नहीं, तो ये पूरा की पूरा टर्मिनल पोटेंशियल यही ड्रॉप होगा। अगर ये वाला वी टी इधर है तो इधर वाले टर्मिनल पे कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा जीरो, तो ये जो पूरा वी टी है ये इस आर के अक्रॉस ही ड्रॉप होने वाला है। तो अब हम बड़ा सिंपल इसमें से क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग या तो इसको आर इक्विवेलेंट मान ले, तो भाई इसका आर इक्विवेलेंट तो बड़ा ही सिंपल आर प्लस आर लिख सकते हो आप, तो हम करंट आई इक्वल्स टू इसका ईएमएफ अब लेना पड़ेगा क्योंकि आर हमने बाहर ले लिया, तो आई इक्वल्स टू ई, ई यानी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ई यानी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, अपॉन में आ जाएगा आर प्लस आर, ये करंट आ जाएगा। कितने लोगों को अगर इस करंट में कोई दिक्कत है तो सिंपल इसके जस्ट पहले वाली बात को रेफर करें कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस, उस पोटेंशियल डिफरेंस से ही हमने ये लिख दिया और बड़ा सिंपल चीज लिखा है और कुछ भी नहीं किया हमने, बस यहां से ई अपॉन आर प्लस आर कर दिया, करंट हमें मिल गया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। सर्किट का अगर टोटल रेजिस्टेंस देखें और अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम ईएमएफ के बराबर ले लें तो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस छोटा आर प्लस बड़ा आर रहेगा। अब छोटा आर प्लस बड़ा आर रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस ई है तो ई अपॉन आर प्लस आर, ये करंट आ गया, ठीक है ना, ये करंट आ गया। अब इसके बाद हमें पहली चीज तो मिल गई भाई, करंट मिल गया, पावर आउटपुट, बैटरी का आउटपुट पावर, भाई आउटपुट पावर, आउटपुट पावर जो भी है वो तो इसी रेजिस्टेंस में, आउटपुट में ये है इंटरनल आर है, तो आउटपुट जो देगा वो इसके साथ देगा, यानी आउटपुट पावर जो होगा बैटरी का, पी आउटपुट जो होगा वो होगा आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आर। अच्छा ये भी सोचें कि बैटरी के अंदर कितना पावर लॉस हो गया, तो बैटरी के अंदर कौन लॉस कराने वाला है, छोटा आर, तो वहां कितना लॉस हो जाता, तो आई स्क्वायर इंटू छोटा आर लॉस हो जाता, आउटपुट में कितना दे पाए, तो आई स्क्वायर इंटू बड़ा आर। अब टोटल पावर ऑफ बैटरी पूछो तो टोटल बैटरी का पावर कितना है भाई, टोटल बैटरी का पावर यानी एक तो अंदर कुछ लॉस किया एक तो बाहर कुछ लॉस किया, दोनों मिला के जो होगा वही टोटल पावर होगा, यानी बाहर इतना लॉस किया अंदर आई स्क्वायर छोटा आर लॉस किया, तो आई स्क्वायर बड़ा आर प्लस आई स्क्वायर छोटा आर विल बी टोटल पावर लॉस, या टोटल पावर जनरेटेड बाय बैटरी भी बोल सकते हो उसको, या टोटल पावर स्पेंट बाय बैटरी भी बोल सकते हो उसको, तो पावर आउटपुट इज आई स्क्वायर आर, सो पावर आउटपुट आप लिख सकते हो बड़े आसानी से आई स्क्वायर दैट इज व्हाट ई स्क्वायर बाय आर प्लस छोटे आर का भी स्क्वायर और इंटू एक आर, दिस इज पावर आउटपुट, दिस इज पावर आउटपुट। अब थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, आप यानी ये कर सकते हैं, मैंने मेथड्स बताई थी, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं करने के, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बड़ी बेसिक चीज है, बड़ी सिंपल चीज हम लोग करने जा रहे हैं, बस ये आप ध्यान रखें कैसे करना है। अब थर्ड पार्ट बोलते हैं रिलेशन बिटवीन छोटा आर एंड बड़ा आर टू गेट पावर आउटपुट मैक्सिमम। अब मुझे आउटपुट के पावर को मैक्सिमाइज करना है, तो मेरे पास अब छोटा आर बड़ा आर, देखो ईएमएफ तो वो अंदर इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी, जिस तरीके का इलेक्ट्रोलाइट होगा उसके हिसाब से वहां केमिकल रिएक्शन होगी, ईएमएफ आएगा, बट छोटा आर और बड़ा आर जो है इसमें से भी क्या मैं बार बार जाके अंदर बैटरी के छोटे आर को बदल सकता हूं, किसी बैटरी का आउटपुट मैक्सिमम निकालने के लिए क्या मैं बार बार बैटरी को थोड़ी ना बदल सकता हूं, बैटरी के अंदर जो चीजें वो तो वैसे ही हैं। अब अगर मुझे कोई बैटरी दी हुई है जो जैसी है वैसी है पर उसका आउटपुट पावर मैक्सिमम करना है तो मैं उस पर जो बाहर से रेजिस्टेंस लगाऊंगा उसको बदल सकता हूं, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आई कैन रिप्लेस बट आई कैन नॉट अल्टर द बैटरी ऑलवेज, सो दैट्स व्हाई दिस कैपिटल आर कैन बी अल्टर्ड, सो वी कैन से दिस पावर इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ आर, दिस पावर आउटपुट इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ आर। अब आपको बोला जा रहा है कि छोटे आर बड़े आर में ऐसा रिलेशन बता दो जिससे पावर मैक्सिमाइज हो जाए, अब मैथमेटिक्स आ गया कि भाई पावर आउटपुट को आपको मैक्सिमाइज करना है
तो याद आना चाहिए आपको एक मैक्सिमा मिनिमा होता है मैथमेटिक्स में. द एज पावर आउटपुट इज फंक्शन ऑफ आर, नाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट दैट पावर आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू आर एंड इक्वेट इट टू जीरो. पावर आउटपुट को आपको क्या करना पड़ेगा, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा उसको जीरो से. बड़े आसानी से देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है. पावर आउटपुट बाय डी आर, आपको दिखेगा ई स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, उसको पहले ही बाहर लिख देता हूं मैं, और डी डी आर ऑफ आर अपॉन आर प्लस छोटे आर का होल स्क्वायर. आपको दिख रहा है ऊपर भी बड़ा आर है, नीचे भी बड़ा आर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में वेरिएबल आ रहा है. जब ऐसा कुछ होता है डिफरेंशिएट करते समय तो आपको ये पता है कि वहां पे कौन सा रूल लगेगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, दैट इज क्वोशेंट रूल. ये वाली टर्म तो जीरो हो रही है, सो जीरो इक्वल टू ई स्क्वायर भी चला जाएगा, हटा देंगे उसको. अब यहां से आपको पता है आर प्लस आर यानी सेकेंड का एज इट इज टर्म इन टू डी डी आर ऑफ आर माइनस R into DDR of R plus R का whole square upon R plus R का whole square का भी square. No matter, ये तो वैसे भी यहां जाके जीरो ही होना है, तो इसको जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जीरो आ गया. यहां आ गया आपके पास R plus R का whole square, DDR of R is 1 minus R and this is twice R plus R. चेन रूल लगा रहे इसके अंदर, और यहां से अगर हम देखें तो डी डी आर ऑफ आर वन हो जाएगा और आर का तो डेरिवेटिव क्या है वो जीरो, क्योंकि कॉन्स्टेंट है ये तो एक तरह से. तो यहां से हम कर देंगे इसको वन, ठीक है. अब इस टर्म को थोड़ा सॉल्व कर लेंगे अगर आप, तो इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें, तो क्या हो जाएगा देखो जरा, आर प्लस आर का होल स्क्वायर. इसको इधर लाया तो माइनस साइन लग जाएगा, माइनस ऑफ टू आर और आर प्लस आर, तो यहां से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये एक स्क्वायर टर्म तो ये कैंसिल हो जाएगा. अब इसके बाद हमें क्या मिलता है देख लो भाई, यहां से हमें क्या मिलता है, तो ये r इक्वल टू आ गया 2r माइनस बड़ा r. सो आपको फाइनली मिल गया बड़ा r इक्वल टू छोटा r. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन. ये इतना इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि इस कॉन्सेप्ट पे ही कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, इस कॉन्सेप्ट पे ही कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं. अगर मैं बताऊं तो इसका मतलब क्या है पता है क्या, व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड टू एनी सर्किट, जब भी कभी बैटरी किसी सर्किट से कनेक्टेड है और उस सर्किट का पूरा की पूरा जो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट वैल्यू है, उस सर्किट का पूरा की पूरा रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट वैल्यू है वो अगर बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, तो उस कंडीशन में जो बैटरी आउटपुट देगी वो मैक्सिमम होगा, वो बैटरी का आउटपुट मैक्सिमम होगा. तो यहां मैं लिख देता हूं इसको स्टेटमेंट में, व्हेन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एनी सर्किट इज इक्वल टू द इंटरनल resistance of battery, internal resistance of battery, then the output power of battery, then the output power of battery will be maximum, then the output power of battery will be maximum. This is seriously, this is very important thing. इस पे based कई सारे questions आ चुके हैं, इस concept पे based कई सारे questions आ चुके हैं. तो this is very 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 important thing, very important concept. Keep this thing in. Actually मैंने कहा था कि इस question के जरिए, इस क्वेश्चन के साथ हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें भी डिस्कस करने जा रहे हैं, डील करने जा रहे हैं. ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और ये हमने अभी डिस्कस की है. अब इसके बाद जो इसका फोर्थ पार्ट है, ये बात ध्यान रखें, कभी भूलना नहीं है, कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, जब वो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस उस पूरे सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर आ जाएगा, तो उस दौरान उस समय हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमें सर्किट से आउटपुट पावर मिलेगा वो आउटपुट पावर मैक्सिमम होगा, हम ये बात कह सकते हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डोंट स्किप दिस थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, अब मैं फोर्थ पार्ट पे आता हूं, आउटपुट पावर की मैक्सिमम वैल्यू. यू ऑल नो दैट दिस इज आउटपुट पावर का
आपका फॉर्मूला। सो आउटपुट पावर का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा आप इसमें छोटा आर बड़ा आर इक्वल कर दें तो आपको क्या मिलेगा, आर और आर इक्वल कर दें तो अगर मैं छोटे आर को बड़ा आर लिख दूं तो यहाँ 2R हो जाएगा, यानी इसके बाद मैं इसको लिख सकता हूँ ई स्क्वायर बाई 2R का स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, तो ये 4R स्क्वायर आ जाएगा, तो ई स्क्वायर बाई 4R स्क्वायर इंटू आर, एक आर कैंसिल हो जाएगा। सो आउटपुट पावर की मैक्सिमम वैल्यू जो है दैट आई कैन राइट ई स्क्वायर बाई 4R और आई कैन राइट ई स्क्वायर बाई 4 छोटा आर, क्योंकि बड़ा आर छोटा आर इक्वल है, आई कैन राइट इन दिस वे, ठीक है, वेरी सिंपल, अगेन वेरी सिंपल थिंग। सो दिस इज आउटपुट पावर मैक्सिमम। अब वही बात आई टोटल पावर स्पेंट बाय द बैटरी, टोटल पावर स्पेंट बाय टोटल पावर स्पेंट, तो पावर स्पेंट बाय बैटरी, दो तरफ दो जगह बैटरी ने अपने अपने पावर डाल दिए, एक तो यहां डाल दिया एक तो यहां डाल दिया, इसमें से करंट आई चल रहा है तो इसके अंदर पावर जो दे दिया आई स्क्वायर आर दे दिया प्लस आई स्क्वायर छोटा आर दे दिया। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं पावर स्पेंट बाय द बैटरी इज नथिंग बट आई स्क्वायर इंटू आर प्लस आर, और इस जनरल चीज को अगर मैं और थोड़ा अच्छे से लिखना चाहूं तो मैं इसमें करंट की वैल्यू डाल दूंगा, तो करंट की वैल्यू आई हैव गॉट दैट ई स्क्वायर बाय आर प्लस आर का भी स्क्वायर इंटू आर प्लस आर, एक काट दो, तो पावर स्पेंट बाय द बैटरी इज नथिंग बट ई स्क्वायर बाय आर प्लस आर, दिस इज द स्पेंट पावर। और इसमें भी अगर मैक्सिमा की कंडीशन लगाऊं, फॉर मैक्सिमम पावर स्पेंट तो आप लिख सकते हो यहां पे R इक्वल टू R, सो P स्पेंट कितना हो जाएगा मैक्सिमम, दैट इज E स्क्वायर बाय 2 आइदर स्मॉल R और E स्क्वायर बाय 2 आइदर कैपिटल R, दिस कैन बी द मैक्सिमम पावर स्पेंट। देखोगे तो सब चीजें देखो दे आर सो मच इंटर रिलेटेड, दे आर सो मच लिंक्ड विद ईच अदर। नेक्स्ट इज द परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ बैटरी, सो द फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ और फोर्थ या फिफ्थ वन, सो परसेंटेज एफिशिएंसी जो होती है ना, इट इज पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट और होल इनटू 100, आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100, बस हमेशा दिमाग में ध्यान रखो एफिशिएंसी का मतलब आउटपुट कितना दिया इनपुट कितना था, आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100 इज नथिंग बट योर एफिशिएंसी, ठीक है। सो आउटपुट पावर आउटपुट की अगर हम बात करें तो पावर आउटपुट अगर मैं मैक्सिमम एफिशिएंसी को निकालना चाहूं, यानी देखो तुम चाहो तो जनरल पावर भी लिख सकते हो, पावर आउटपुट जो जनरल वाला है तुम्हारे पास, ये वाला है आपके पास जनरल पावर आउटपुट, ठीक है, ये अपॉन पावर इनपुट यानी टोटल पावर जो अपन ने स्पेंड किया है बैटरी ने, जो भी टोटल स्पेंड किया बैटरी ने दिया था, ये इनपुट है बैटरी के, इलेक्ट्रोलाइट ने इतना दिया पर उसमें से आउटपुट में कितना मिला, इतना ही मिला, क्योंकि छोटे आले आर ने कुछ खा लिया, क्योंकि हमें वो बाहर थोड़ी मिल पाया, इसलिए तो वो भाई लॉस हो गया ना, वेस्ट हो गया, हमारे पास जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है लोड रेजिस्टेंस उस तक तो नहीं पहुंचा। तो एफिशिएंसी उससे निकाली जाएगी कि भाई यहां कितना पहुंचा और बैटरी ने कितना जमा किया था, बैटरी ने कितना निकाला था, तो ये जो टोटल स्पेंट है ये बैटरी का अपना खुद का टोटल पावर है, उसमें से जो आखिरी में बाहर तक पहुंच पाया है वो हमारे पास पावर आउटपुट है, दैट इज पावर आउटपुट। और पावर इनपुट एक्चुअली मैं कह सकता हूं बैटरी का पावर स्पेंट इज नथिंग बट पावर इनपुट, ये स्पेंट ही यानी क्या है पता है क्या, पावर इनपुट है भाई, इतना दिया जिसमें से आउटपुट में इतना मिला, आउटपुट वाला कहां गया वो वाला। अगर मैं मैक्सिमम की कंडीशंस में सिर्फ इसको निकालूं, अभी मैं सिर्फ मैक्सिमम से निकालता हूं, तुम चाहो तो जनरल भी निकाल सकते हो, मैक्सिमम पावर आउटपुट, आउटपुट का मैक्सिमम पावर अगर आप देखोगे सो इट इज ई स्क्वायर बाई 4 बड़ा आर और इनटू इनपुट पावर आर की टर्म्स में ये आ गया, सो इट इज ई स्क्वायर, सॉरी नीचे आएगा ना ये, तो ये आ जाएगा नीचे इनटू में ई स्क्वायर, ठीक है ना, इसको ऐसा लिखता हूं और ऊपर चला जाएगा 2R और इनटू हो जाएगा 100, ई स्क्वायर कैंसल आर कैंसल सॉरी आर कैंसल, ठीक है ना, और वन जा टू जा, ठीक है, तो 2 से 100 कटेगा तो ये बनेगा 50 और ये परसेंटेज है, तो
तो एक बात सोचो, परसेंटेज एफिशिएंसी इज 50%। देखो भाई, मैक्सिमम एफिशिएंसी भी 50% की है, और ऑब्वियस है यार, होगी भी। आपने यही प्रूव कर दिया। वो क्यों प्रूव कर दिया? देखो, आर इक्वल टू आर है। मैक्सिमम कब होता है? जब आर इक्वल टू कैपिटल आर होता है, यानी आधा तो इसने खाना है, आधा तो उसने खाना है, तो डेफिनेटली आउटपुट में आधा ही मिलना है ना। इंटरनल नहीं, आधा खा लिया था, तो एफिशिएंसी 85% आने वाली थी। ये तो हमारे पास एक्चुअली दिमाग में यही आ जाना चाहिए था। कहां आ जाना चाहिए था? यही आ जाना चाहिए, क्योंकि सर्किट के रेजिस्टेंस तक मैक्सिमम तब पहुंचता है जब वो इंटरनल के बराबर होता है। तो भाई ऑब्वियस है, जब अंदर ही आधा है और बाहर आधा है, तो आधे आधे में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ईएमएफ का भी वैसा ही है, आधा ही है इसके पास, आधा ही इसके पास। पावर भी आधा है इसके पास, आधा है इसके पास। तो एफिशिएंसी कितनी? आउटपुट में कितना मिला? आधा ये खा के बैठा था, तो आउटपुट में भाई ई था, ई में से आधा इसने ही खा लिया, तो आधा इधर मिलेगा। तो पावर जो था वो तो आधा ही होगा। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई कैन टेल यू दिस विल टीच यू लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं फटाफट। मेरे ख्याल से कितना मिनट हो गया है? 50 मिनट हो गए हैं, बहुत बड़े मिनट हो गए हैं। नाउ लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा फटाफट से हम इसको डील करेंगे, थोड़ा फास्ट चलते हैं इस पे, है ना। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 फॉर द गिवन सर्किट। अब थोड़ी स्पीड बढ़ाऊंगा मैं। फॉर द गिवन सर्किट फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच, ठीक है। दिस इज आवर सर्किट, this is a battery of 10 volt and this is a battery of 30 volt. अब यहाँ से बहुत सारी बातें हमें जो अब तक हमने सुनी पढ़ी हैं वो सब लगानी होंगी। सो आप बड़े फोकस करके चीज़ों को समझें, ठीक है, और लगाने की कोशिश करें। और आई कैन अश्योर यू वन थिंग कि अगर आप थोड़ा भी ध्यान देके समझें चीज़ों को, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा और आपको चीज़ें बिल्कुल भी टफ नहीं लगेंगी। दे आर एक्चुअली वेरी इजी, बट यू शुड कीप फोकस ऑन इट कि हमें क्या बताया गया है, किस तरह करने के लिए। अगर आप इतना फोकस रखते हैं सो आपको चीज़ें बड़ी ही आसान लगेंगी और करने में मज़ा भी आएगा। तो यहाँ पे ये जो सर्किट है ये मैंने बना दिया है, ठीक है। तो अब हमें कैसा है, यहाँ पे ना बहुत सारे सर्किट क्वेश्चन, सर्किट प्रॉब्लम्स को डील करना है। सो इसीलिए कैसा है कि हमारे पास कुछ, हम लोग इस तरह से रखते हैं चीज़ें ताकि हम क्वेश्चन फास्ट देख सकें। कभी कभी क्या होता है, कुछ वैल्यूज़ अगर हम कम ज़्यादा ले लें तो फिर वो कैलकुलेशंस में कई बार गलत आंसर्स दे देते हैं, या फिर कई बार कुछ ऐसे आंसर आने लगते हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं है, तो फिर इसीलिए गड़बड़ होती है। इसलिए कुछ हमारे पास डिफाइंड क्वेश्चंस हों तो वो बहुत अच्छा होता है, बेटर होता है, ठीक है ना। तो हम एक काम करेंगे, अब इसके बाद फटाफट से आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, फिर वही बात आती है, यहाँ अगर देखोगे तो हमारी जो ये पहली मेथड है रेफरेंस पोटेंशियल वाली मेथड, इसके अंदर अगर देखोगे तो देखो इस ब्रांच में यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी नहीं लगा है, ठीक है। यहाँ भी देखोगे तो यहाँ कुछ नहीं लिखा, बी सी में कुछ नहीं लिखा, सी डी में कुछ नहीं लिखा, जी एफ में लिखा या एफ ई में नहीं लिखा। देखो, रेफरेंस पोटेंशियल की मेथड आप तभी लगा सकते हो जब ऐसा कुछ खाली खाली सा सर्किट हो। हो सकता है यहाँ कोई बैटरी लग जाए, हो सकता है यहाँ कोई रेजिस्टेंस लग जाए, हो सकता है यहाँ कोई रेजिस्टेंस लग जाए, यहाँ कुछ और लग जाए। देखो, ये जो रेफरेंस पोटेंशियल की मेथड है ये बड़ी सिंपल मेथड है, हम इसको अभी फिलहाल यूज कर रहे हैं, बट इसके बाद जब हम और आगे की मेथड सीखेंगे ना तो उसमें बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे जिसमें हम इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को भी सॉल्व करेंगे। अभी हमें सिर्फ रेफरेंस पोटेंशियल कब लगाना है, तो जब तुम ऐसा खाली खाली सा सर्किट देख रहे हो जहां तुम बहुत आसानी से पोटेंशियल लिख सकते हो। जैसे कि मैंने कहा था निगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो आप इसका 10 वोल्ट लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो एच है इसका पोटेंशियल जो है आप वी एच इज इक्वल टू 10 वोल्ट लिख सकते हो, और यहाँ पे आप वी ए को क्या लिख सकते हो, तो आप 0 वोल्ट लिख सकते हो। अब अगर एच से जी की तरफ जाते हो तो वहां कुछ भी नहीं है, सिर्फ वायर है, तो आप वी जी को भी 10 वोल्ट लिख सकते हो, और साथ ही साथ वी एफ को भी आप 10 वोल्ट लिख सकते हो, और साथ ही साथ वी ई को भी 10 वोल्ट लिख सकते हो। इसका मतलब यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 है, इसका मतलब वी बी को भी 0 लिख सकते हो, वी सी को भी 0 लिख सकते हो, और वी डी को भी 0 लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे सर्किट हर बार मिले, आपको बीच में बहुत सारे रजिस्टर्स मिल सकते हैं, पर अगर बीच में रजिस्टर्स आ गए तो आप ए और बी का पोटेंशियल इक्वल नहीं लिख सकते। बीच में बैटरी आ गई तो ए और बी का पोटेंशियल आप इक्वल नहीं लिख सकते, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। अब यहां से आगे अगर हम देखें तो
तो जबकि मेरे पास यहां 10 वोल्ट है, तो भाई मेरे पास 10 वोल्ट जी पे है, तो जी से यहां तक 10 वोल्ट है। अब यहां पे तो मैं जीरो, फिर से देखो ये 30 है तो ये वाला जीरो है बैटरी के लिए, और बैटरी के लिए ये वाला 30 हो जाएगा, पर यहां से यहां तक मैं 10 लाया हूं तो ये एक्सटर्नली जो आया है इसके हिसाब से यहां 10 है, और जब यहां से जंप कर लूं तो यहां 30 मिला, तो 10 में 30 प्लस हुआ है, 10 में 30 प्लस हुआ है, 10 में 30 प्लस हुआ है, यानी यहां पे मुझे कितना मिल गया 40 वोल्ट, यानी इस पॉइंट से लेके सारा 40 वोल्ट है। अगर इस ब्रांच की बात करूं तो यहां 40 वोल्ट है, यहां कितना है 10 वोल्ट, 40 वोल्ट 10 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी रजिस्टर मुझे मिल गया, तो यहां जाने वाला करंट अगर मैं बोल दूं कि इसका नाम है IGB, अच्छा डायरेक्शन भी नीचे होगा क्योंकि 40 और 0 में कौन बड़ा होगा, 40 और 0 में कौन बड़ा होगा, 40 और 0 में 40 बड़ा होगा, तो पोटेंशियल बड़ा है तो बड़ा 40 और 0, तो करंट जाएगा नीचे की तरफ, तो IGB जो होगा वो इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी 40 माइनस 0, सो आप IGB को बहुत फास्ट लिख सकते हैं, दैट इज 40 माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस इज 1, सो इट इज 40 एम्पियर। बस ऐसे ही सब जगह जाना है हमें, सब जगह ऐसे ही जाना है, सब जगह ऐसे ही जाना है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इधर पे आप देखें अगर तो यहां पे देखोगे अगर तो यहां पे कितना है, यहां पे है 10, यहां से लेके यहां तक तो 10 है, पर ये हो गया कि अब यहां पे है 40, यहां पे है 0। आप एक चीज कर सकते हो, अब आपको डिफरेंस लेना था कितने का, 40 का, तो आप इसको मान सकते हो 0, तो इसको मानना पड़ेगा -40 भाई, इसको 0 इसको -40 भी तो मान सकते हैं, यानी आप अगर इसको 0, जैसे आपने यहां 0 माना था, यहां 30 माना था, यहां 0 मान सकते हो या -40 मान सकते हो, जब 0 और -40 मान लो, तो 0 और -40 मानने के बाद देखो मैं बहुत सारे तरीके से बताऊंगा इस ब्रांच के लिए, मैं बहुत सारे तरीके बताऊंगा। 0 मान के -40 मान लो अगर, तो आपके पास यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आपके पास आ जाएगा, देखो यहां से आ रहा था 10, 10 से आप गए 0, तो 10 ही बचा, 10 और 0 तो भाई 10 ही हो गया, और 10 के बाद फिर इधर घुसे तो -40, 10 -40 यानी कितना बचा, 10 -40 यानी कितना बचा, -30। और अब यहां पे आपके पास -30 आ गया, यहां पे 0 है, तो 0 बड़ा होता है कि -30 बड़ा होता है, सोच के देखो, 0 बड़ा है कि -30 बड़ा है, डेफिनेटली 0 बड़ा है, तो करंट जो होगा वो हायर से लोअर की तरफ जाएगा, यानी 0 से -30 की तरफ जाएगा, दिस इज ICF, सो दिस ICF इज इक्वल टू हायर माइनस लोअर, का मतलब क्या हो गया, 0 माइनस ऑफ -30 और अपॉन में आ गया 1, तो ये कितना आ गया 30/1, सो 30 एम्पियर इज द करंट। देखो एक और चीज, मैं इसी को ना और तरीके से सॉल्व करके बताता हूं, मैं सिर्फ इस ब्रांच को बना रहा हूं, दिस इज एफ एंड दिस इज सी, इसी को बना रहा हूं। हाँ, अब मैं चाहूं तो मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूं, देखो जो बैटरी है ना, आप उसी ब्रांच में बैटरी को ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हो, बट उसकी पोलैरिटी के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, यानी पोलैरिटी के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, जैसे कि वैसे नीचे लाके रख दो, देखो ये ऊपर प्लस था नीचे माइनस था, मैंने वैसे की वैसे बैटरी लाके रख दी। यहां पे मेरे पास सी का पोटेंशियल 0 था, यहां पे मेरे पास डी एफ का पोटेंशियल कितना था, एफ का पोटेंशियल 10 वोल्ट था या नहीं, इतना तो हमें पता ही है। अगर कोई चाहता है सर ये माइनस वाली चीज नहीं समझ में आई, आपने ऐसा क्यों ले लिया, वो नहीं समझ में आया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मत लो टेंशन, इसको ऐसा ही कि ऐसा नीचे लाके रख दो, ये तो 0 था तो ये वाला मैं 0 ही ले सकता हूं, ये तो निगेटिव है यानी इसका खुद का भी 0 और 0 ही आया, और ये वाला +40, तो यहां से तो कुछ आया नहीं ना, ये 0 और +40 यानी कितना रहेगा, +40 ही रहेगा, यहां पे 40 वोल्ट ही रहेगा, ये 40 वोल्ट, और साथ ही साथ यहां पे कितना है भाई, तो ये एफ है तो एफ के साथ यहां पे 10 ही वोल्ट रहेगा, तो 10 वोल्ट, तो अब हायर कौन है बताओ, 40 और 10, तो यहां हायर तो 40 है, तो ऊपर की तरफ करंट जाएगा, अगेन देखो यहां भी ऊपर की तरफ जा रहा था सीएफ, तो हमने ICF को अगेन पोटेंशियल डिफरेंस यानी कितना 40 माइनस 10 अपॉन कितने का रेजिस्टेंस है 1 ओम, तो 1 लगा दिया यानी कितना आ गया 30/1 यानी 30 एम्पियर आ गया। देखो ये भी बात हो गई, एक और तरीका हो गया, आप बैटरी को रेजिस्टेंस के आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, आप इसको कर सकते हो, बट बैटरी की पोलैरिटी के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब सर मुझे ना क्या करना है, मुझे बैटरी यहीं रखना है पर मुझे इसको -40 नहीं लेना है, मतलब मैंने कहा किया, मैंने कहा बोला कुछ, मतलब मेरी कोई दिक्कत ही नहीं है, आप मत लो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर नहीं भी लेते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके साथ यहां पे अगर 0 है, यहां पे अगर आप देखते हो तो 40 है, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि मुझे यहां इसके ऊपर वाले भाग का पोटेंशियल नीचे, मुझे नीचे वाले का चाहिए। अगर मुझे नीचे वाले का चाहिए तो डेफिनेटली नीचे वाला तो कुछ और है,
तो नीचे वाला जब मुझे चाहिए, यानी क्योंकि देखो मेरे पास रेजिस्टेंस इसके नीचे साइड लगा है ना, इस बैटरी के नीचे साइड रेजिस्टेंस लगा है, तो बैटरी को जब मैं छोड़ रहा हूं तो कितना पोटेंशियल पे छोड़ रहा हूं वो देखना पड़ेगा। तो कितने पोटेंशियल पे छोड़ रहा हूं अगर मुझे वो देखना पड़ेगा, तो मुझे हमेशा इसके पोटेंशियल को कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। तो ये एक मेथड है, ये एक तरीका है, सिर्फ ये एक तरीका है। देखो मैंने पहले भी कहा था, आइदर यू कैन टेक भाई इसको 40 ले लो इसको 0 ले लो, या फिर इसको 0 ले लो इसको -40 ले लो, या फिर इसको +20 ले लो इसको -20 ले लो, वो भी कर सकते हो। पर आपको अज्यूम करना पड़ेगा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा सर्किट को, जैसे तैसे हम इसको सिंप्लीफाई करके आगे बढ़ सकते हैं। यहां थोड़ी सी आपको गड़बड़ लग सकती है, पर गड़बड़ वाली चीज नहीं है, बार बार इसको देखना मैंने क्या किया है। मैंने सिर्फ क्या किया है, इसको 0 इसको -40 ले लिया निगेटिव वाले को, और यहां से 10 लेके चला तो 10 के साथ 0 ऐड हो गया इस तक, तो 10 और 0 करके 10 ही मिला मुझे। और जब मैं इसके अब निगेटिव पे गया तो 10 में -40 ऐड हुआ, जब 10 में -40 ऐड हुआ तो जस्ट निगेटिव के बाद मुझे कितना मिला, 10 -40 यानी -30। आपको बड़े आसानी से दिखेगा निगेटिव के नीचे किसी भी पॉइंट पे -30 का पोटेंशियल है, और यहां नीचे वाले पॉइंट पे 0 का पोटेंशियल है, और 0 और -30 में बड़ा कौन है, तो 0 है, इसलिए करंट का डायरेक्शन अपवर्ड मैंने अज्यूम किया, इसलिए क्या हो गया कि ICF इज इक्वल टू 0 माइनस ऑफ -30 अपॉन 1, ये वाली चीज आ गई, 0 माइनस ऑफ -30 अपॉन 1 ये वाली चीज आ गई। अब मेरे पास बची लास्ट वाली ब्रांच, अब लास्ट वाली ब्रांच को फिर ऐसे ही कर लो, 50 को नीचे ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, या चाहो तो वैसे ही कर लो जैसे मैंने बताया, वहीं रख के कर लो, वहीं रख के कर लोगे तो फिर से अगेन ये कितना आ जाएगा, ये इसको 0 ले लो इसको ले लो -50, यहां पे आ जाएगा 10, 10 प्लस 0 यानी 10 ही आएगा इधर, और 10 से जब इधर जंप कर जाओगे इस निगेटिव के ऊपर तो 10 -50 यानी आपको मिलेगा 10 -50 का मतलब -40। अब यहां 0 यहां -40, तो यहां जो करंट है ये ऊपर जाएगा IDE, सो करंट IDE इज इक्वल टू कितना मिलेगा, हायर माइनस लोअर यानी 0 माइनस -40 अपॉन में आएगा इसका रेजिस्टेंस यानी 2 यानी 40/2 का मतलब 20 एम्पियर का करंट आएगा। यहां से ऊपर जा रहा है 20, यहां से ऊपर जा रहा है कितना 30, यहां से नीचे जा रहा है कितना IGB कितना निकाला था हमने, ये 40, नीचे जा रहा है 40, ऊपर जा रहा है 30, यहां से भी ऊपर जा रहा है 20। अब देखो पूरे सर्किट में करंट कितना कैसे कैसे दौड़ रहा है। अब पूरे सर्किट के करंट को देखो, बड़ी मजेदार चीज है, बहुत जबरदस्त चीज है। यहां से जा रहा है 20 इस ब्रांच में, भाई इधर से 20 जा रहा है तो इधर से कितना आ रहा होगा, यहां से तो यही ब्रांच है, इधर से जो आएगा वही इधर जाएगा और इधर भी वही जाएगा, तो इधर अगर 20 मैंने निकाला है तो इधर से कितना जा रहा होगा, डेफिनेटली 20 जा रहा होगा, और इधर से जो जाएगा तो इधर कितना जाएगा, तो इधर भी कितना जाएगा, 20 ही जाएगा। अब इधर से देखोगे अगर तो यहां से कुछ आ रहा है 30, यहां से आ रहा है 20 इस पॉइंट पे, यहां से 20 आ रहा है, यहां से आ रहा है कितना 30 आ रहा है, 20 आ रहा है 30 आ रहा है, तो इधर से कितना जाएगा 30 और 20 मिलके कितना हो जाएगा 50। यहां से इधर 50 आ रहा है पर यहां से नीचे जा रहा है कितने का जा रहा है, 40 का जा रहा है, भाई इधर से आया 50 नीचे चला गया 40, तो इधर कितना जाएगा सोचो, 50 आया 40 नीचे चला गया, इधर कितना गया 10 एम्पियर। जब इधर से 10 जा रहा है तो इधर कितना जाएगा, भाई इधर से आया 10, और कोई तो ब्रांच है ही नहीं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कोई ब्रांच ही नहीं है, तो इधर से भी जाएगा 10, इधर से कितना जाएगा 10, इधर से कितना जाएगा 10, और इधर से नीचे कितना आ रहा है बोलो, 40 एम्पियर नीचे आ रहा है, यही तो 40 नीचे आ रहा है, इधर 40 तो इधर 10, 40 10 इधर कितना जाएगा बोलो 50। इधर 50 आया, इधर से ऊपर 30 चला गया, 50 आया 30 चला गया, 50 आया 30 चला गया, तो कितना जाएगा इधर 20, करेक्ट, पहले लिख लिया था हमने। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वेरी सिंपल, मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। एक चीज और है, ये कितने मिनट का हो गया, ठीक है, तो इसको हम यहां रोकते हैं, इसके बाद के वीडियो में आपको हम लोग और भी इसके सर्किट प्रॉब्लम अभी मैं कंटिन्यूशन में कराऊंगा, ठीक है ना, तो इसको हम यहां रोक देते हैं, इसके बाद आपको और सर्किट प्रॉब्लम मिलेंगे, सो विल स्टॉप हियर, ठीक है, ओके।